सीतामढ़ी जिला मेजरगंज ब्लॉक पंचायत बहेरा गांव बिशंबरपुर ननकार में यहाँ की स्कूल का भवन 1996 में निर्माण हुआ है, लेकिन आज तक ये स्कूल की संचालित नहीं हुई है। और ये बस्ती जो है अनुसूचित जाति की बस्ती है, यहाँ की जनसंख्या 3000 से ऊपर है और यहाँ के बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीण और बच्चों से क्या क्या समस्या हो रही है। दिक्कत यही है कि 27 साल हो गया अभी स्कूल के, यहाँ स्कूल में कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, कोई टीचर उचर नहीं आया। अभी जो नदी उस पार में है स्कूल, उसमें बच्चा नहीं जा पाता है कि गाड़ी घोड़ा चलता है। यहाँ पे कौन सी जाति के लोग रहते हैं? हरजन है सिर्फ। ये स्कूल बना तो आप कितने बड़े थे? हम तो छोटा थे, लगभग 5-7 साल के थे, हम भी नहीं पढ़े हैं। अब तो इतना बड़ा हम हो गए, हमको बच्चा भी नहीं पढ़ पाए इस स्कूल में। प्रयास तो कितना बार कर रहे हैं, मगर फिर भी इसमें बोलता है कि इस साल में आएगा, उस साल में आएगा, 6 महीना में आएगा। मुखिया भी बोला कि लाल बाबू सिंह उस समय में मुखिया था, उसको भी बोले तो वो भी कह रहा है कि इस साल में आएगा, दूसरे साल में आएगा। क्या चाहते हैं हम लोग का? टीचर चाहिए, बच्चा का पढ़ने के लिए व्यवस्था चाहिए। बच्चा से पढ़ने लगेगा उसमें समस्या दूर हो जाएगा, बच्चा भी पढ़ेगा। विद्यालय है लेकिन चलता है नहीं, वो बंद है। दिक्कत होता है बच्चे को आने जाने में, बहुत दिक्कत होता है। रोड है, यहाँ नेपाल रोड है, रोड चालू है। बच्चा बच्चा है, दूसरा तीसरा का बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पाता है। अब रोड पर जाएगा बच्चा उच्चा कहूँ पिचा जाएगा, इसलिए तो दिक्कत होता है। इस नेपाल इंडिया का रोड है, इसलिए दिक्कत होता है, वहाँ जा नहीं पाता है बच्चा लोग। बच्चे के पढ़े के लिए स्कूल नज़दीकी चाहिए। यहाँ का जनसंख्या होगा 3500 से लेके या 4000 तक। आवेदन तो बहुत पड़ा है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? बोल रहे हैं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग गया। ये समस्या तो हो गया 26-27 साल। स्कूल तो था लेकिन दूरी था, वही 2 किलोमीटर का दूरी था। विधायक जी आए बहुत दिन पहले, अब साल लगने वाला है, लेकिन वो कह कर गए जे चालू हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जितने हैं वो पढ़ेगा यहाँ पर। ऐसे लड़का सब भुआ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सकता है बच्चा आदमी हो सकता है, नदी में भी बह सकता है, उसको कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं रहता है। इसी डर से हम लोग भी बच्चा का नहीं भेजते हैं। कितना उम्र हो रहा है? 15। आप पढ़ती हो? नहीं। क्यों नहीं पढ़ती? स्कूल नहीं है, मास्टर नहीं है। आपके जैसे अभी आपके मोहल्ला में कितना लड़की है जो नहीं पढ़ती है? कितना है? गांव में नहीं स्कूल है, इसलिए नहीं पढ़ती। क्योंकि बहेरा जो पंचायत है वो सीमावर्ती इलाके में पड़ता है, नेपाल बॉर्डर के समीप है। काफ़ी जो अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं वो नो मैंस लैंड पे भी बसे हुए हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं शिक्षा और स्वास्थ्य वो वहाँ सबसे बेहतर होनी चाहिए। और स्कूल आप ज़रा सोच लीजिए कि अभी के समय में भी आबादी अगर मान लीजिए 2000 घरों की है, तो वहाँ पे अभी भी जो है शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो हम लोगों ने उस पर पहल किया है और बहुत जल्द वहाँ पर प्राथमिक जो विद्यालय है वो बन करके तैयार होगा, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसमें जा करके पढ़ सके। शिक्षा विभाग के द्वारा इस चीज़ों पर कोई पहल नहीं होता है, हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आम जनता हम लोगों से सवाल करता है। और बच्चों का उम्र तो रुकता नहीं है, लेकिन विद्यालय नहीं होने से उसका भविष्य ज़रूर ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने DPO और DEO से बात किया है और वो लोग आश्वस्त किए हैं कि बहुत जल्द वहाँ भी हम लोग प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सुनिश्चित कराएंगे। इस वीडियो को बदलाव को लेकर के हमने यहाँ के ग्रामीण के साथ बैठक किए और यहाँ के स्थानीय विधायक अनिल कुमार जी से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि जल्दी काम करवाया जाएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं ननु, जिला सीतामढ़ी बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।